आते हैं तो आप माइक ऑफ ले जाइए, आप बंद करिए अपनी दुकान। नहीं तो सुनिए सुनिए सवाल तो आप कैसे, आप देश की जनता को, आप देश की जनता को, आप देश की जनता को क्यों गुमराह कर लेते हैं? भगवा कोई भारतीय जनता पार्टी की बतौती नहीं है, पूरे देश की खुदाई हो जानी चाहिए। अब ये पेड़ धराशायी हो रहे हैं, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में इस महंगाई से भारतीय जनता पार्टी इसी तरह दिखाई देगी। खुशहाली आ रही लेकिन आपके चेहरे पे कोई खुशहाली नहीं नजर आ रही। देखिए जिस तरह से इस देश में कहीं ना कहीं महंगाई का जो मुद्दा है, आखिर जो सरकार कहती है कि देश में पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, आखिर 2014 में आपने देखा होगा 400 के आसपास सिलेंडर के दाम थे, लेकिन आज ये सरकार 7 साल से ज्यादा हो चुकी है। इस सरकार के शासनकाल में आज 1000 से ज्यादा सिलेंडर है के दाम हो गए। आखिर ये सरकार क्या करना चाहती है? इस देश की जनता को, इस देश की आवाम के खून चूसने का काम कर रही है। आप बताइए कौन सी महंगाई कम हुई है? महंगाई कम हुई है इस देश में? महंगाई कम नहीं हुई है इस देश में। सरकार ने देश की आम जनता के लिए, तेल की बात करिए, सब्जी की बात करिए, बहुत सारे ऐसे आप कोई भी रसोइयों के आप प्रोडक्ट की बात करिए, 1 साथ 10 रुपए आपने चुनाव से पहले देखा होगा। आपसे चुनाव से पहले इन्होंने दामों को कम किया था, उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर दामों को बढ़ाया, उसके बाद 2 महीने पहले वही रेट था। आखिर इस देश में जो सरकार कहती थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, आखिर उसी सरकार के शासनकाल में आज देश में महंगाई दर महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए नहीं तैयार है। आज ये देख रहे हैं ना जिस तरह से ये पेड़ धराशायी हो रहे हैं, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में इस महंगाई से भारतीय जनता पार्टी इसी तरह दिखाई देगी, क्योंकि आज देश की जनता में बहुत जो जनता आज परेशान है, ये कहीं ना कहीं ये सरकार केवल जुल्मी और तानाशाही सरकार। देव की कंपनी की आय दोगुनी होती जा रही है, क्या देश में युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? कहा तो है कि अगर आपको महंगाई लग रही तो मेहनत करो, कि 18 घंटे इतने देश की मेहनत करने क्या जरूरत हो गई? कि देश आज कंगाल की स्थिति में है, देश आज श्रीलंका जैसी स्थिति में है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री देश की कोई नीतियों के लिए उन्होंने काम किया? केवल इस देश को धर्म की आड़ में और जाति धर्म और मजहब की आड़ में इस देश को कंगाल बनाने का काम किया। आपने देखा होगा आज भुखमरी की कगार पे हिंदुस्तान सबसे निचले पायदान पे है, बेरोजगारी में सबसे निचले पायदान पे है, महंगाई में सबसे ऊंचे पायदान पे है। आखिर यही सरकार कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इसी सरकार के शासनकाल में 2 करोड़ रोजगार की बात अब नहीं हो रही है, अब केवल मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है। मैं कहता हूं देखिए भगवान राम हमारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्होंने हमारे भगवान को कैद करने का काम किया। आखिर जब जब सियासत अपनी चमकानी होती है तो ये भगवान राम की आड़ में, आखिर आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन आपको केवल मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ही दिखाई दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ सरकार किस लिए होती है? मंदिर के मुद्दों को भुनाने के लिए। मंदिर और मस्जिद की बात मौलवी और पंडित को करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पे इस देश में सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इस देश में आज़ाद भारत के बाद सभी धर्मों का देश था ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस देश के लोकतांत्रिक में एक ऐसा बना दिया है कि आप जहां जहां, मैं कहता हूं पूरे देश की खुदाई हो जानी चाहिए, अब पूरे देश की खुदाई हो जानी चाहिए, अब पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको हर जगह मंदिर के अस्तित्व मिल जाएंगे। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक इस कदर पहुंचाना चाहती है? कहीं ना कहीं जाति और धर्म और मजहब के नाम पे, ये भगवा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी भगवाकरण करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, निजीकरण। देखिए हम भगवा पहन के हम व्यापार नहीं करते हैं, हम अपने धर्म को, अपने भगवान आराध्य को हम बेचने का काम नहीं करते हैं, राम मुंह में राम बगल में छुरी रखने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं बगल में राम को रख के और देश की जनता के ऊपर छुरी चलाने का काम करती है। देखिए भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा कोई भारतीय जनता पार्टी की बतौती नहीं है। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है उसी तरीके से ये भगवा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में हराएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में गैर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार के जरिए इस देश में एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके जगह जगह मस्जिदों को मंदिर बता के अपनी राजनीतिक सियासत चमकाना चाहती है। विधानसभा चुनाव है, देखिए वो क्यों नहीं तारीफ, अब भाई अपने मुंह में बिट्टू बनना है, आप अपने बच्चे की तारीफ नहीं करेंगे, आप अपने परिवार की तारीफ नहीं करेंगे, तो ये वही हाल है। ये देश की जनता के लिए सरकार नहीं है, ये कौन सा काम किया योगी?
योगी जी ने, योगी जी ने कौन सा काम किया है आखिर बताइए, कौन सा आप उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपराध प्रदेश बनाने का काम किया, कौन सा उत्तम प्रदेश बना है? कमलेश तिवारी की हत्या हुई क्या उत्तम प्रदेश हुआ? उसकी सीबीआई जांच हुई? नहीं जांच हुई। इन्होंने केवल इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, उत्तम प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश। आखिर बताइए, यही देश के गृह मंत्री चुनावी सभा में जब गए थे तो दूरबीन लगा के देखते थे कि आज हमारी महिलाएं सुरक्षित है, आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर गृह मंत्री आज क्यों उनको मौना रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं महिलाएं 7 बजे से 6 बजे तक ऑफिसियल कार्यालय में नहीं जाएंगी, काम नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश भी उसी आग में जल रहा है। ये केवल आग में जलाने का, देखिए मैं वही कहता हूं, तो आज क्यों इतना दहशत में है सरकार? ये सरकार केवल इस देश में जनता को डरा के और जनता को धमका के, लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड टूटेगा, क्योंकि ये सरकार केवल आतिमताई सरकार है। और जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है और जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है और जो देश के प्रधानमंत्री ये कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देखिए कसम मैं कहता हूं 2014 से पहले आप जाके कोई वीडियो उठा लीजिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई सवाल पूछा हो। अगर देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो मैं कहीं ना कहीं सवाल उन्हीं से पूछूंगा, या मैं जाऊंगा कि अंग्रेजों से सवाल पूछने जाऊंगा, मुगलों से सवाल पूछने जाऊंगा। इन्होंने देश में मुद्दा मुगलों का बना दिया है, इन्होंने देश में मुद्दा शायद जो इनके मैनिफेस्टो में था उसको मुद्दा नहीं बनाया गया। आखिर ये ऐसी सरकार है जो शायद मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। देखिए भारत सेकुलर राष्ट्र है, भारत सभी के आस्थाओं का देश है, ये कहीं किसी की बपौती नहीं है, ये देश सभी का है। ये जिस तरह से देश आजाद भारत के बाद जिस तरह से 70 साल कहीं हिंदू मुसलमान भाईचारा की एकता की बात होती थी, उसी तरीके से हम एकता अखंडता और भारत की अस्मिता को बचाने के लिए हम ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखिए आप गोदी मीडिया वाली बात मत करिए, आप जो गिद्ध मीडिया कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे इस देश में राजनीतिक तुष्टिकरण करने का काम करती है। आपने देखा होगा स्ट्रीम मीडिया का आज एजेंडा, स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से जैसे कोई धर्म की बात आ जाएगी वो पूरा लेके दुकान और एक ऐसे प्रोपेगेंडा तैयार किया जाएगा। आप उस मीडिया के अगर प्रवृत्ति में आते हैं तो आप माइक के लिए जाइए, आप बंद करिए अपनी दुकान। नहीं देखिए सुनिए सवाल तो आप कैसे आप देश की जनता को क्यों गुमराह करते हैं? आखिर पत्रकारिता का मतलब क्या होता है कि अस्मिता को बचाना, भारत वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। नहीं देखिए हिंदुत्व आप बताइए, मैं हिंदुत्व वो सावरकर गोट के सावरकर और गोवलकर का नहीं मानने वाला लोग हूँ, मैं इतिहास को पढ़ता हूँ, मैंने इतिहास को पढ़ा है। आखिर इस देश में वही एकता अखंडता और संप्रदाय रहेगा, लेकिन जो लोग इस देश में धर्म और मजहब के नाम पे जाति और धर्म के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु मोदी और योगी हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं धर्म के नाम पे व्यापार नहीं करता। ये क्या ये सावरकर जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, ये सावरकर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम गांधी अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। ये लोग कुछ दिन सत्ता में आए हैं, इनको सत्ता में अहंकार हो गया है, लेकिन ये अहंकारी और आतिमताई सरकार को हम सत्ता से बेदखल करेंगे। जुल्म ही कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारा से। उन्होंने तो भगत सिंह को भी आप बताइए, भगत सिंह की कहानियों को इन्होंने आउट करवाया। आखिर जो लोग ये कहीं ना कहीं क्रांति वीर जो थे उनको मानने वाले लोग नहीं है, ये जो कायर लोग थे जिन्होंने आजादी के नाम पे देश को बेचने का काम किया। आप देखिए अमृत काल में है, आज आजादी महोत्सव है, अरे कौन सा आजादी महोत्सव चल रहा है? देश के गरीब भुखमरी के ककार पे हैं, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, आखिर आप आजादी का महोत्सव अमृत महोत्सव मना रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन्होंने विनाश करने का काम किया है। ऐसी विनाशकारी सरकार ये देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है, और इनको हम सबक सिखाने के लिए जब तक ये सरकार सत्ता से बेदखल नहीं होगी, हमारी आवाज ऐसे हमेशा बुलंद रहेगी।